ये बिल्कुल नजदीक है भाई, बीच में जाड़ जाड़ है। आप भी आओ बच्चों को लेके, यहाँ हम भी छुट्टी थी आज, बच्चों घुमाने लाए हैं, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के भाई। हम यू बहुत अच्छा प्लेस है घूमने वास्ता, हम पहले भी आए हैं इधर तो हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरफ से आती है चंडीगढ़ से बस, तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या चीज है। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, और मेरा नाम है पराग रावल और मैं कर रहा हूँ इंडिया के टूरिस्ट प्लेसों को एक्सप्लोर। और आज मैं आया हूँ कुरुक्षेत्र जू में, पिपली जू। आप देख सकते हैं मैं गेट के सामने खड़ा हूँ और यहाँ से मिलती है टिकट, ये है टिकट काउंटर गेट के सामने बिल्कुल। और चलिए आप अंदर से इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं। तो ये 30 रुपये की टिकट हो गई है, पर पर्सन 10 रुपये की टिकट है। तो अंदर गेट में, गेट से एंट्री हो चुकी है। तो जी हम आए हैं 3 बंदे, ये है एक दीपक है ये मेरा भाई, और ये है रवि, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र में। आइयो भाई घूमने, बड़ा मजा आवा, कति जोर मजा आवा भाई, देखा जाइयो कति। तो लास्ट पहली बार आए हैं कुरुक्षेत्र में, स्टीम पढ़ते हैं हम, और आज यहाँ प्राग के साथ घूमने मौका मिला है। और लास्ट में इनका रिव्यू दिखाएंगे। ऐसे आवाज आप सुन सकते हैं, अंदर जाते ही बहुत जोर से दहाड़ता है, ये 2-3 शेर है। और ये है जी शेरनी, यहाँ बैठी है, अंदर शेर दहाड़ते हुए, शेर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये यहाँ शेरनी है, इस तरफ एक गेट था पुराना गेट, वो बंद कर दिया है, और 3-4 जाड़ों के अंदर है ये। तेंदुए की तरफ आ गए हम, यहाँ स्नेक्स है, बिल्कुल मैं इसके नजदीक पहुंच चुका हूँ। ये बच्चों के घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है भाई, कुरुक्षेत्र में एकमात्र जगह यही है जो बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है बच्चों के लिए। डेली स्कूलों का टूर लगता है यहाँ पर बच्चों का। दीपक तेरे का निगूर है भाई, ओ भाई ये 2 टाइगर एक दूसरे को देख रहे हैं बिल्कुल नजदीक है भाई, बीच में जाड़ जाड़ है। ले लिया फ्रेन है, पिछली बार तो बहुत ज्यादा संख्या थी इनकी, अब कम हो चुकी है। ये भेड़िए हैं, ये एकमात्र ऐसा जानवर है भाई इसको पालतू नहीं बनाया जा सका आज तक। ये झुंड में रहते हैं, पहले तो बहुत ज्यादा झुंड था इनका। इंग्लिश में आई ना, हिंदी में इसको हम लक्कड़ बग्गा भी कहते हैं। ये पनामा के जंगल जैसा व्यू है, यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है। ये है जी गिद्दड़, ये ज्यादा झुंडों में हुआ है, ये गांवों में एक में भी मिल जाए। इंग्लिश में इन्हें जैकल्स बोलते हैं, ये लोमड़ी, चतुर लोमड़ी। बहुत से लोग आ रहे हैं घूमने, स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, पूरा स्कूल का स्कूल आ रहा है। ये आ गया घड़ियाल, ये अलग तरह के मगरमच्छ होते हैं, इनके आगे से मुंह है ना वो थोड़ा चोंच टाइप में होता है, ये थोड़ा चोंच टाइप में, छिपकली की एक प्रजाति बोल सकते हैं इसको। काल ये है और मगरमच्छ आपको दिखाते हैं आगे, बहुत ज्यादा वजन हो रहा है वही 2-3 में तो। उन्हें तो बहुत पीरियड सर पड़ा, देखिएगा
एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ धूप सेक रहा है, पूरा पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं, बिल्कुल पूरा दिन। ये क्रोकोडाइल्स, ये अलग प्रजाति के मगरमच्छ है, इनका मुंह आगे से चौड़ा होता है। पानी में लेटे रहते हैं, गंदा पानी। बहुत सारे हैं, ये ठंडा पानी होता है, फिर पूरा दिन यहाँ सेकते हैं। कहाँ से आए हो? पानीपत। पानीपत से? हाँ जी। स्पेशल कौन कौन सी जगह घूम लिया आप कुरुक्षेत्र में? मैंने, हाँ मैंने कई जगह घूम ली, यही लास्ट रह गया था भाई। सरोवर पे गए, धरोहर देखा है, यूनिवर्सिटी सब कुछ देख के आया हूँ, यही रह गया था, बहुत चलने वाला रह गया था। चलो चलो, नहीं थोड़ा बहुत ही, थोड़े बहुत ही लाए दिन में बस। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर नाचते हुए, और जब भी इनको खुशी होती है ये तब नाचते हैं, आप देख सकते हो आज ये खुश लग रहे हैं। एक मिनट एक मिनट, अभी तो बंद कर लेगा नहीं तो। ये विजिटर्स को देखकर आज नाच रहे हैं मोर भी, देखो मोर नाच रहा है, देखो मोर नाच रहा है, सॉरी है ऐसे नाचता, देखो हाँ ऐसे नाचता है, कितना खुशी आई है, देखो तो कैसे फैला दिया पूरा पंख, उधर से देखो ना उसको, खड़े हो जा, और ऊपर भी है, एक ऊपर बैठा, ऊपर बैठे हैं चाचू, देखो चाचू, देखो चाचू, देखो पूरा जाल अंदर से बंद है। ये यहाँ पर जो मोर देखे हमने वो मोर है, रेड जंगल फॉल, ये लाल जंगली चिड़िया है, मुर्गे के आकार की, जैसे जंगली मुर्गा होता है ऐसा, और बहुत सारी गिलहरियाँ। ये बिल्कुल देखने में मुर्गे जैसे लगते हैं, ऊपर भी मुर्गे के आकार के, सिर पर भी वो होता है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मुर्गा। ये भाई मिल गए थे, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, कहाँ से आए हो आप? हम कैथल से आए हैं घूमने के लिए। हाँ जी, देख नहीं सो घूमने का, आप भी आओ बच्चों को लेके, यहाँ हम भी छुट्टी थी आज, बच्चों घुमाने लाए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। तो जी बहुत बढ़िया, और ये बच्चों को घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, आप बच्चों को लेकर आ सकते हैं। ग्रे फ्रैंकोलिन, ये तित्तर है, ये है जी हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी, काला तित्तर नहीं है लेकिन है सलेटी तित्तर, उसी प्रजाति का है, कलर अलग है बस थोड़ा। ये तित्तर इस तरह के होते हैं, टाइम में गांवों में बहुत मिलती थी, कि करिए मुंह के छालों, खांसी, दांतों की समस्या, संक्रमण रोग, आंखों के रोग, ये सभी में महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इनकी छाल को काट कर घिस कर पीते थे,
पुराने टाइम में। यह सांभर हिरण की एक प्रजाति होती है इस तरह की। इनका बहुत बड़ा एरिया है, अब नहीं नजर आ रही। ये जंगल है पूरा हिरणों के लिए छोड़ रखा है। ब्लैक बक, ये जी ब्लैक बक। आप देख सकते हैं काले हिरण की प्रजाति संकटग्रस्त है, बहुत ही कम मात्रा में बच रही है अभी तो। भाई अब तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहे, शायद है ही नहीं। ये खाली पोस्टरों में है, अंदर तो नज़र नहीं आ रहा कहीं। इधर का पेड़ है जी, बहुत एक विशेष पेड़ है, ये गांव में भी देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी, मैंने तो पहली बार देखा है। ये मूत्र रोग डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शरीर में जलन, गुल्लर की छाल और कच्चे फल उपयोगी है इसके। ये बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह जी हिप्पो, दरियाई घोड़ा। ये पूरा दिन ऐसे ही खड़े रहते हैं, आगे से मुंह बहुत ही चौड़ा, भैंसों के आकार के दरियाई घोड़े। इन्हें हिप्पो भी बोला जाता है, आपने वीडियो में देखा होगा। ये तरबूज और घास खाते हैं। घास गिरते हैं इनको और पूरा दिन इस पानी में लेटकर, गंदा पानी हो रहा है, इस पानी में लेटकर पूरा दिन फिर वहाँ सेकते हैं धूप। शरीर की चमड़ी बहुत ही मोटी, पूंछ भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, आप देख सकते हैं पूंछ को। इनकी छलांग काले लंगूर, ये भी काला लंगूर है। इनकी छलांग बहुत ही लंबी और पूंछ भी बहुत लंबी होती है। हनुमान बंदर, सलेटी भूरा बंदर। हनुमान बंदर है ये स्कूलों से आए हैं बच्चे। जी ये भाई मिल चुके हैं, एक स्कूल से आए हैं, बता दो भाई क्या नाम है। मेरा नाम रितेश है जी। और कौन से स्कूल से आए हो बता दो भाई। पूरा पब्लिक स्कूल कैथल से आए हैं जी। भाई हम यू बहुत अच्छा प्लेस है घूमने वास्ता, हम पहले भी आए हैं इधर तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ये भाई पहले भी इनके स्कूल का, हर साल इनके स्कूल का एक टूर लगता है यहाँ पर। कैथल से आए हैं भाई। ये आंवले का पेड़ है, ये विटामिन सी और आँखों के लिए और बालों के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है। रवि खाकर भाई इन आंवले ने। यहाँ बीच में बैठने के लिए आपको कुर्सी मिल जाएगी, आप चारों ओर घूमकर पूरे जू का आनंद उठाकर और यहाँ बैठ सकते हैं। देखो कितनी अच्छी लाइन लिख रखी है, चिड़िया मुझको हंसाए रे, बरखा मुझको बहाए रे, जग हरा भरा हो जाए रे, आओ कुदरत को बचाए रे। रुपये में घूमने के लिए आपको कितनी अच्छी चीज मिल रही है, छांव देख सकते हो आप, कितनी घनी छांव है। ये बड़ का पेड़ है और आराम से इन चीजों का एक्सप्लोर कर सकते हो जो आपने नहीं देखी है। एक छोटे से शहर में एक छोटा सा जू आप देख सकते हैं। अमलतास का पेड़, कपपित और गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, अच्छी औषधि है। एक ये पेड़ है अमलतास का, लसोड़े का पेड़ है, जो आपको नज़ला जुखाम फोड़े फुंसी होती है ना, उस पे लगाने से बहुत आराम मिलता है।
जू म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर ये पोस्टर वगैरह लगे हैं, आप अवॉइड करें प्लास्टिक बैग्स को और बोटल्स को। तुलसी की पत्तियों के कितने लाभ है वो यहाँ पर लिख रखे हैं। ये पुदीनों के कितने लाभ है, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, ये सब इन चीज़ों के लाभ लिख रखे हैं। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, खाने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है, आप अवॉइड करें इन चीज़ों को। मुर्गे की प्रजाति को बचाएं और सफरे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सफरे कर रहे हैं, पेड़ों को बचाएं। इस तरह फैक्ट्रियों से मृदा अपरदन होती है। लगा रखा भिंडावास वन्य प्राणी विहार, ये झज्जर में है, ये झज्जर से 16 किलोमीटर दूर है। वन्य जीव अभ्यारण बहुत ही अच्छा है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान। ये कनक चंपा का पेड़ जो सर दर्द, घाव, खांसी, सर्दी ये आदि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है इसकी औषधियाँ। और जी गेट के पास ये कैंटीन है जहाँ से आप खाने का सामान ले सकते हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पर। भाई पेटीज लाजवाब है और चटनी उससे भी ज़्यादा लाजवाब है भाई, सेहत के लिए बहुत अच्छी है चटनी भाई। तो भाई दीपक कैसा लगा अंदर? बहुत बढ़िया भाई, कति मजा आएगा 10 रुपये में, बहुत अच्छा। जो चीज़ हमने आज तक टीवी में देखी थी, शेर, चीते, ये मगरमच्छ भाई, आज अपने आंखों देखी, बहुत मजा आया भाई देखने। हाँ भाई रवि, भाई बहुत अच्छा रहा घूमना पिपली जू में, हम यहाँ कुछ बढ़ते, हम कभी नहीं आए, आज पहली बार मौका मिला घूमने का। हाँ भाई, बहुत 10 रुपये में टिकट भाई, इतनी सस्ती टिकट कहीं है नहीं जू में। और हमने बहुत चीज़ देखी अंदर, लायंस देखे, टाइगर्स देखे, क्रोकोडाइल देखे, हाइना देखा, बहुत अच्छा रहा। हाँ ये तो बात है भाई, बहुत से बच्चे हैं जो कुरुक्षेत्र रहते हैं और जू में नहीं आ पाते भाई, आना चाहे, हम तो एक ही बात कह भाई, जितने भाई हो आना चाहे भाई देखने का, बहुत बढ़िया लगा भाई, मनोरंजन का अच्छा साधन है। चलो ठीक है भाई।